दोस्तों, गर्भ में जैसे जैसे बच्चा विकसित होता है, उसके शारीरिक अंगों के साथ साथ उसकी भावनाओं और इंद्रियों का विकास भी शुरू हो जाता है। यानी हिचकी लेना, चौंकना, स्वाद का अनुभव करना, उदास होना, खुश होना और तरह तरह के मुंह बनाना बच्चा गर्भ में ही सीख लेता है। और प्रेगनेंसी के दौरान गर्भस्थ शिशु ना केवल शारीरिक रूप से अपनी माँ से जुड़ा होता है, बल्कि भावनात्मक रूप से उतना ही जुड़ा हुआ होता है। और माँ अपनी डेली लाइफ में जो भी गतिविधियाँ करती है, उसका असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। तो आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी आदतों या गतिविधियों की जो कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं जाने अनजाने में करती हैं और इसका सीधा असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, जिससे कि शिशु विचलित हो जाता है या परेशान हो जाता है। तो अगर आप ये जानना चाहती हैं कि ऐसी गतिविधियां कौन सी हैं, तो इसके लिए वीडियो आखिर तक पूरी देखें और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहला है माँ का उदास होना। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान प्रेग्नेंट महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव होने के कारण, मूड स्विंग होने और शारीरिक परिवर्तन होने के कारण, या फिर अपनी प्रेगनेंसी व डिलीवरी के बारे सोच कर कई बार गर्भवती महिला उदास हो जाती है, तनाव में होती है या फिर चिंतित होती है। तो दोस्तों, इसका भी असर गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि गर्भस्थ शिशु अपनी माँ के साथ शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से जुड़ा हुआ होता है। जब प्रेग्नेंट महिला किसी कारण से दुखी या उदास होती है या तनाव में होती है, तो उससे कहीं ज्यादा उसके गर्भ में पल रहा शिशु भी तनाव में आ जाता है, उदास हो जाता है। ऐसे में अगर गर्भवती महिला लंबे समय तक तनाव, चिंताग्रस्त या फिर उदास रहती है, तो यह सब उसके गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालते हैं। दोस्तों, इसका कारण ये है कि जब प्रेग्नेंट महिला परेशान होती है, तो इससे जो हार्मोन रिलीज होता है, वह तरल पदार्थ के माध्यम से शिशु तक पहुंचता है, जो उसे नुकसान पहुंचाता है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि प्लेजेंटा के जरिए शिशु को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन व पोषण मिलता है, उसका प्रॉपर तरीके से विकास होता है। लेकिन जब प्रेग्नेंट महिला उदास होती है, तो ऐसा देखा गया है कि जो प्लेजेंटा है, उससे रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड फ्लो प्रॉपर तरीके से गर्भस्थ शिशु तक नहीं पहुंच पाता, जिससे कि गर्भस्थ शिशु विचलित हो जाता है, उसे अच्छा नहीं लगता और इससे वह उदास हो जाता है। दोस्तों, रिसर्च में तो ये बात साबित हो चुकी है कि अगर माँ उदास होती है, तो इसका सीधा असर गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। इसलिए प्रेग्नेंट महिला को ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए और उसे वही काम करने चाहिए जिससे कि उसे खुशी मिले। तेज आवाज व शोर। दोस्तों, प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में गर्भस्थ शिशु बाहर से आने वाली आवाज़ों व शोर को सुन सकता है। और कई बार प्रेग्नेंट महिलाओं ने तो यह भी महसूस किया होगा कि अगर उनके पास संगीत बजता है, तो उन्हें अपने अंदर कुछ हलचल महसूस होनी शुरू हो जाती है। और जब प्रेग्नेंट महिला बोलती है, तो उसकी आवाज़ गर्भस्थ शिशु के पूरे शरीर में कंपन ला देती है। दोस्तों, रिसर्च से तो ये बात सामने आई है कि जब प्रेग्नेंट महिला बोलती है, तो गर्भ में बच्चे के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब गर्भवती महिला बोलती है, तो गर्भस्थ शिशु और भी ज़्यादा सतर्क हो जाता है। लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला ऐसे माहौल में जाए जहाँ बहुत तेज़ आवाज़ें हों, शोर शराबा हो या लाउड म्यूजिक बज रहा हो, तो ऐसी आवाज़ों से गर्भस्थ शिशु विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को ऐसी जगहों से जाने से बचना चाहिए जहां ज्यादा शोर शराबा हो। तेज रोशनी। दोस्तों, गर्भ के भीतर से ही बच्चा बाहर से आ रही रोशनी को भी महसूस कर लेता है। चाहे गर्भ में शिशु की आंखें बंद हो, लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला अपने पेट पर टॉर्च से या कोई तेज रोशनी डालती है, तो गर्भस्थ शिशु उस रोशनी को महसूस कर लेता है। जिस प्रकार हम आंख बंद करके सूरज की रोशनी को महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्भ में भी बच्चा ऐसा कर सकता है। और ऐसे में अगर गर्भस्थ शिशु सोया है, तो ज़्यादा तेज़ रोशनी से वह परेशान भी हो जाता है। लेकिन जब वह जगा हुआ होता है, तो वह रोशनी के साथ खेलता है और उसे पकड़ने के लिए इधर उधर हिलता डुलता भी है। लेकिन ज़्यादा तेज़ रोशनी उसे परेशान करती है और इससे वह विचलित हो जाता है। इसलिए ऐसे में तेज़ धूप में बाहर निकलने से बचें। लेकिन अगर आपको ज़रूरी कहीं काम से जाना पड़ रहा है, तो अपने पेट को कपड़े से ढककर ही बाहर निकलें। कैफीन युक्त पदार्थों का सेवन। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान जो महिलाएं बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करती हैं, धूम्रपान करती हैं या फिर किसी नशीली चीज़ का सेवन करती हैं, तो वे महिलाएं सीधे रूप से
कैफीन को अपने अंदर ले रही होती हैं, यानी कि कैफीन को अपने शरीर में पहुंचा रही होती हैं, और ज़्यादा मात्रा में कैफीन लेने से इसका सीधा असर उनके गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है। इससे शिशु विचलित हो जाता है, शिशु को अच्छा नहीं लगता, शिशु को ज़्यादा नींद आती है और वह सुस्त हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक का सेवन नहीं करना चाहिए और नशीली चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। लंबी यात्रा, दोस्तों गर्भवती महिला को ज़्यादा लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर उन्हें लंबी यात्रा करनी भी है तो उन्हें विशेष रूप से अपनी डॉक्टर से इसकी परमिशन ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों प्रेगनेंसी के 3 महीनों के बाद जो महिलाएं लंबी यात्रा करती हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के 4th, 5th, 6th या फिर प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में, तो ऐसे में उनको तो परेशानी होती ही है, साथ ही साथ गर्भस्थ शिशु को भी इससे परेशानी होती है। क्योंकि यात्रा के दौरान गर्भवती महिला चाहे कार में बैठी है, बस में या ट्रेन में, ऐसे में गर्भवती महिला को लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहना पड़ता है। गर्भवती महिला को एक ही पोजीशन में लगातार बैठे रहने से गर्भस्थ शिशु असहज हो जाता है, शिशु परेशान हो जाता है, उसे अच्छा महसूस नहीं होता। दोस्तों अगर प्रेग्नेंट महिला बस में यात्रा कर रही है तो उसकी मजबूरी है कि वह उठकर कहीं नहीं जा सकती, लेकिन अगर प्रेग्नेंट महिला ट्रेन में लंबी यात्रा कर रही है तो उसे ट्रेन के भीतर ही 1 या 2 घंटे में बीच बीच में कुछ कदम उठकर ज़रूर चलना चाहिए, उसके बाद फिर दोबारा बैठ जाना चाहिए। और अगर वह अपनी कार में यात्रा कर रही है तो वह ऐसी स्थिति में बैठे जिससे कि उसे अच्छा महसूस हो। ऐसे में जब वह थका हुआ महसूस करे तो कार को रुकवाकर सड़क किनारे या फिर साइड में थोड़ा पैदल चले और फिर वापस कार में बैठ जाए। इससे गर्भवती महिला को अच्छा लगेगा और साथ ही साथ उसके शिशु को भी अच्छा महसूस होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।